धार यानी कि जो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पहाड़ी एजेंट बाबा में फिर से एक बार एक नए ब्लॉग के साथ। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग से हम 5:30 से हो रही है क्योंकि सुबह स्कूल गया था और अब मतलब दिन में घर आया, उसके बाद सो गया और अब डायरेक्ट उठ के ब्लॉग बना रहा हूँ। और यहाँ पर हमारे पांडे जी बैठे हुए हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। और पांडे जी का आज बर्थडे है, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और इधर ताई बैठी हुई है और इधर की साइड स्वाति दीदी, जिनके लिए हमने रोड भी बनाया थे। आपने रोड वाला व्लॉग देखा होगा। और अभी फिलहाल मैं दिखाता हूँ आपको ऊपर से पौड़ी का व्यू और इधर चारों ओर का, जो कि आज का मौसम बारिश वाला हो रखा है सुबह से, तो मैं आपको पहले व्यू दिखाता हूँ। निकलते हैं हम सड़क के लिए। और सड़क क्यों जा रहे हैं? हम घूमने के लिए, ज़्यादा कुछ काम है नहीं वहाँ, मतलब ऐसे ही घूमने के लिए। और थोड़ी बहुत बाइक भी सीखेंगे साथ ही साथ, तो फिलहाल निकलता हूँ मैं सड़क और मैं मिलता हूँ आपको डायरेक्ट सड़क पे। और दोस्तों, सड़क से पहले पड़ता है ये, तो इसे हमारे गाँव की धार कहते हैं। धार यानी कि जो ऊँचे क्षेत्र में होता है और ये सबसे किनारे में और ऊँचे में है, तो इसलिए इसे धार कहा जाता है। और इसके पीछे डायरेक्ट सड़क है, इसके आगे कोई घर नहीं है, लास्ट घर इधर की साइड, इसलिए इसे धार कहा जाता है। और दोस्तों, फिलहाल पहुंच चुका हूं मैं सड़क, और सड़क में पहुंचते ही मुझे यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दिया, लेकिन भाई का मतलब दोस्त का फ़ोन आ गया था कि वो आगे निकल चुके हैं शायद से। उन्होंने कुछ कहा नहीं कि उसने, क्योंकि ये कहा कि जल लिया, तो मैं पहले आपको यहां से व्यू दिखाता हूं, उसके बाद निकलता हूं आगे, अगर चले गए होंगे, वैसे चले गए होंगे। फिलहाल मैं आपको यहां से दिखाता हूं एक नज़ारा। और अजीत भाई भी आ चुके हैं उधर से, पहले मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ से, उसके बाद चलते हैं। दोस्तों, ये हमारा प्यारा सा गांव खालू, जो कि उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इधर नीचे की साइड है हमारा चमराड़ा, जो कि हमारा एक छोटा सा मार्केट टाइप में है। और इधर हमारा बिजली विभाग मतलब जनरेटर, मतलब क्या ट्रांसमीटर कहते हैं इसे। और इधर हमारे गाँव के खेत हैं हरे भरे, जिनमें आजकल जिसे हम कोदा कहते हैं वो बो रखा है, और कोदे की हमारी रोटी बनती है। हमने आपको पिछले व्लॉग में बताया भी था कि किस प्रकार उसकी रोटी बनती है चूल्हे में, तो फिलहाल हम चलते हैं ऊपर की ओर। और ये हमारे अजीत भाई। और दोस्तों, फिलहाल चलते हैं हम आगे की ओर, क्योंकि हमारे जो दो साथी थे वो आगे निकल चुके हैं और हम मिलते हैं आपको डायरेक्ट आगे। और दोस्तों, फिलहाल पहुँच चुके हैं हम मिलन केंद्र रोड, हमारी लिंक है जो खालू चमराड़ा से, और ये हमारा बोर्ड खालू संपर्क मार्ग। और यहाँ पर हमारे दो साथी जिनकी बात मैं कर रहा था यहाँ पर बैठे हुए हैं, हाय कर दे। हेलो। और अभी हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं हमारे प्रिंस भाई ट्रेनर का, देखते हैं कब तक वो पहुँचते हैं और कब तक हम बाइक सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पर इंतजार करते हैं, सिर्फ इंतजार इंतजार इंतजार। One hour later. और फिलहाल कर रहे हैं हम इंतजार गढ़वाली गाने के साथ यहाँ पर, जो हमारा पहाड़ी कल्चर है उसके साथ, और देखते हैं कब तक हमारे प्रिंस भाई आते हैं। सुम भाई 7:30 आएगा जब अंधेरा हो जाएगा। आज मतलब बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आजकल रातें जल्दी होने लग गई है, तो इसलिए उसे भी लेट हो जा रही है। और देखते हैं कब तक हमारे प्रिंस भाई आते हैं। और दोस्तों, एक राउंड मार कर आ चुका हूँ मैं, और अब बादशाह जा रहे हैं राउंड मारने के लिए, और काफ़ी थकान लग चुकी है क्योंकि ऊपर के लिए हम धक्का मार के ला रहे हैं बाइक में, क्योंकि अभी सीख रहे हैं तो बैलेंस बनाना भी ज़रूरी है, और इससे जो है हमारा बैलेंस जल्दी बन जाएगा धक्का मारने से। तो फिलहाल जाते हैं हम, अब नितिन की बारी है तो उसको ले जाता हूँ मैं। और इधर की साइड हमारे गुरु जी शुभम भाई और उपी भाई
महिंद्रा होंडा से, होंडा से उनकी बाइक ब्रांड न्यू, ब्रांड न्यू हीरो। अगर किसी को चाहिए हो तो बताना, उपी भाई से संपर्क करें। तो फिलहाल चलते हैं हम नितिन के साथ, क्योंकि उसे भी थोड़ा डर है गिरने का, तो मैं इसके साथ निकलता हूँ। इसकी बाइक पकड़नी है, फिलहाल निकलते हैं हम आगे। और दोस्तों फिलहाल मैंने 3 राउंड अपने कंप्लीट कर लिए हैं, और अब मुझे लगता है कि मैं न्यूट्रल पूरा सीख चुका हूँ। पूरा तो नहीं कह सकता, लेकिन जितना बता सकता हूँ न्यूट्रल मैं सीख चुका हूँ, और अब कुछ दिनों बाद मैं स्टार्ट में सीखूंगा। फिलहाल यहाँ गाड़ी को धक्का मार के ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी हम स्टार्ट में नहीं सीखे हैं, तो इसलिए फिलहाल ले जाते हैं हम गाड़ी ऊपर, और आपको मिलता हूँ मैं इसके बाद, देखते हैं हम क्या करते हैं, क्या क्या एक्टिविटी हमारी आगे होती है। तो मिलता हूँ मैं आपको आगे। और दोस्तों फिलहाल पहुंच चुका हूँ मैं घर, और अभी आपको दिखाऊंगा कि मैं कि हमारे चूल्हे में आज क्या बन रहा है। फिलहाल अभी आग नहीं जली, तो मैं इसके बाद दिखाऊंगा आपको कि हमारे चूल्हे में क्या बन रहा है। और यहाँ पर दादी और थोड़ी देर में देखते हैं हमारे चूल्हे में आज क्या बनेगा, तो मिलते हैं आपको बाद में। और दोस्तों फिलहाल हमारी एक्टिविटी जो है अभी बंद हो चुकी है, क्योंकि हमारी रोटी बन चुकी है, अरे थोड़ी बहुत अंगारे इसमें। और आपको अंदर से दिखा दूँ कि हमारे आज क्या बना हुआ है। और इधर कुछ आम काटे हुए हैं, इसे हम गढ़वाली में आम दल का कहते हैं। और सब्जी है आलू की सब्जी, जो ये आलू है वो भी घर के ही है। और इधर है हमारी कोदे की रोटी, ये देख सकते हैं आप। और फिलहाल करते हैं अभी खाना डिनर, और मैं मिलता हूँ आपको उसके बाद। कालू। हाँ फिलहाल अभी मैं फिलहाल डिनर करके आ चुका हूँ अपने कमरे पे, और आज के व्लॉग में ज़्यादा कुछ देखने को तो नहीं मिला आपको, लेकिन जितना भी दिखा सकता था मैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें पहाड़ी एजेंट बाबा। और इसी के साथ मैं मिलूंगा आपको अगले व्लॉग पर। देखते हैं अगला व्लॉग हम कहाँ का बनाते हैं, कौन से कंटेंट लेते हैं हम, और कहाँ जाते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कहीं जाने की, लेकिन हमारी जो अभी थोड़ा टफ लग रहा है जाना कहीं, कुछ आपसी मामले, कुछ दिक्कत है जाने के लिए, जा नहीं सकते कहीं। जैसे जाऊँगा तो मैं बताऊँगा आपको, आपको अपडेट देता रहूँगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। और वीडियो बना व्लॉग तो प्रॉपर रहेगा, फिलहाल आप मुझे सपोर्ट करें जिससे कि मैं अपनी वीडियो में प्रोग्रेस लाऊं। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करेंगे, और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग पर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, और साथ ही साथ जय शंकर महाराज।